तो दोस्तों, ये स्लाइड जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि हम लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्या रीजन है कि मैं या आप इस इंडस्ट्री में आए, और ये जानना और इसको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें लोगों को बताना है कि क्या फर्क है ट्रेडिशनल और जो दूसरे प्रोफेशंस हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में। ये अगर हम नहीं बता पाएंगे तो हमारे साथ लोग नहीं आएंगे, ठीक है? तो ये हमें सबसे पहले समझना है कि क्यों ये जरूरत है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो 7 रीजंस यहाँ पे इस ये प्रेजेंटेशन मुझे मिला था एक बड़े लीडर से, वो भी इंटरनेशनल लीडर से, क्योंकि हमारे इंडिया में ना अभी नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं है इंडिया में। विदेशों में जहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को लोग प्रोफेशनली करते हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से। तो ये उन्हीं का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, इस पे मैंने कुछ नहीं किया है, उनसे मिला था मुझे ये प्रेजेंटेशन, और उन्होंने इसमें बताया है कि क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए, 7 रीजंस। तो चलते हैं सबसे पहले रीजन के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब हम लोग कई बार नेटवर्क मार्केटिंग के किसी से बात करते हैं ना, तो लोग चेहरा बना लेते हैं, बहुत बुरा सा रिस्पॉन्स देते हैं कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, जिनको नहीं पता है, ठीक है, जिसको इग्नोरेंट पीपल हम लोग बोल सकते हैं, जिनको नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, उनका रिएक्शन कई बार आपको बड़ा गंदा मिलता है। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस बात के लिए अपने सपनों को जो हम जी सकते हैं, एक ड्रीम लाइफ जो अपना बना सकते हैं, उसको मत जाने दीजिए। लोग क्या कहेंगे इसके फर्क में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई ड्रीम किलर है ना, तो वो यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जबकि फैक्ट है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको ये समझ में आने लगेगा कि दुनिया आपके बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लोगों का समय नहीं है आपके बारे में सोचने का। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है, आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो लोगों को अपना ड्रीम किल नहीं करने देना है, लोग क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि उनको पता नहीं है। और मार्केट में बहुत सारे आपको राय बहादुर मिलते रहेंगे, ठीक है, जिनको पता ही नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो कई लोग आपको एक्सपर्ट शो करेंगे कि जैसे एक्सपर्ट की तरह बात करेंगे, ओ दैट इज वन ऑफ दोज स्कैम थिंग, ऐसे मतलब उनको लगता है ये कोई स्कीम है, कोई स्कैम है। जबकि सच पूछें तो हम लोग भी एक प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाने का एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ही तो बदला हमने, क्या गलत किया है? लेकिन जिनको समझ में नहीं है, उनको लगता है कि कोई मनी रोटेशन है या कोई स्कीम है, तरह तरह की बातें आपको लोग कहेंगे। तो यहां पे इन्होंने बताया है सबसे पहले कि रिमेम्बर, याद रखिए, फ्री एडवाइस इज वर्थ एवरी सेंट। फ्री के एडवाइजर आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में। तो ये जो जिनके बारे में बता रहा था, इनका बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, और इन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी एक रास्ते में चल रहा हूं। तो 7 रीजंस क्या हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। पोटेंशियल फॉर सक्सेस, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल है आपको सफल बनाने का, वो और कहीं नहीं है। कैसे, उस पे हम लोग आगे बात करेंगे। लो एंट्री कॉस्ट,
नॉर्मली अगर हम लोग तो हाई टिकट पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज इस जूम मीटिंग में कुछ बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं, आप रिलेट कर सकते हैं कि इससे सस्ता कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। चाहे 3 लाख रुपए लगते हैं हमारे बिजनेस, सबसे हाई टिकट बिजनेस में हम लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे अदर नेटवर्क मार्केटिंग से, अदर इंडस्ट्री से या अदर बिजनेसेस से, तो 3 लाख रुपए में कोई भी व्हाइट कॉलर बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। थर्ड है सिंप्लिसिटी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या बैक ऑफिस की आपको जरूरत नहीं पड़ती है इस बिजनेस पे, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। हम लोग अपने घर से काम करके भी आगे बढ़ जाते हैं, और अपने घर से और लोगों के घर से ये काम हो जाता है, तो बहुत सिंपल बिजनेस है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कोई मार्केटिंग रिसर्च आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा ये सब रिसर्च करके कंपनी बैठी हुई है, और हम लोग जिस कंपनी में है वो 48 साल पुरानी है। वरना कई बार दूसरे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, मार्केट में वो प्रोडक्ट आता है, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो चलता नहीं है कई, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सारे रिसर्च हो चुके हैं। एक्सपर्टाइज इज प्रोवाइडेड, मतलब आपको यहाँ पे जो हैंड होल्डिंग मिलती है, जो सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो कहीं नहीं मिलता है। और टैक्सेस, चूंकि ये बिजनेस है तो आप बहुत सारे टैक्सेस अपने बचा सकते हैं, और ये फ्यूचर का बिजनेस है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसके ऊपर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक भी है बहुत अच्छी। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल ऑफ सक्सेस क्या है। इन्होंने कहा है कि द पोटेंशियल टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग इज मच हायर देन एनी अदर स्टार्टअप। आप कुछ भी और करेंगे तो उससे ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे सक्सेस का, और यही वजह है कि बहुत सारे अच्छे जाने माने बिजनेसमैन भी आज कैंगन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताया इन्होंने कि मोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्लेम देयर आर नो इनकम लिमिट्स। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी अपना चेक लिख सकते हैं महीने का, और ये बात इनेजिक के साथ भी फैक्ट है। इनेजिक में एक आईडी पे आप 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जितना मर्जी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, मतलब कोई इनकम के लिमिटेशन नहीं है। हाउएवर एज आई हैव हर्ड इट सेड, यस देयर इज नो सीलिंग बट देयर इज ऑल्सो नो फ्लोर, यू कैन गो नोवेयर नोवेयर इफ यू सो चूज। मतलब इन्होंने बताया है कि कोई सीलिंग नहीं है, कोई छत नहीं है कि इतना ही पैसा आप कमा सकते हैं, और उससे भी अच्छी बात है कि कोई फ्लोर भी नहीं है, आप सीधा सीधा आसमान तक पहुंच सकते हैं। तो इस लिहाज से जो सबसे पहला इन्होंने रीजन बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अदर किसी भी से आप कंपेयर करें, चाहे कोई प्रोफेशन हो या कोई बिजनेस हो। ठीक है, तो ये जब मेरे दिमाग में रहेगा कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो हम ग्रेटफुल रहेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगता है तो आपका कमिटमेंट भी लो हो जाता है, और ये बहुत बुरी बात है। पैसा चाहे कम लगा है, आपका कोई रिस्क नहीं है, आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, जरा सोच के देखिए कि अगर ये प्रोडक्ट हम बना रहे होते, कैंगन मशीन हम में से कोई भी बना रहा होता, और आप ही इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी होते, तो आप कितना सीरियसली इसको करते हैं? मुझे लगता है कि 10 गुना सीरियसनेस के साथ हम लोग करते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी रहती, फैक्ट्री के जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी की जिम्मेदारी रहती, तो जिम्मेदारियां जब बहुत बढ़ जाती तब हम जिस सीरियसनेस के साथ काम करते,
क्या उस सीरियसनेस से आज नहीं कर सकते? आज भी किया जा सकता है, ये मान के कि ये मेरी कंपनी है और ये जो प्रोडक्ट्स बन रहा है, एम्प्लॉयज हैं, उनके खर्चे निकालने हैं, बड़ा काम की तरह सोच के भी किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं कि सम ऑफ द पीपल, इन्होंने बताया है कि सम ऑफ द पीपल हु फेल एट नेटवर्क मार्केटिंग आर नॉट मोटिवेटेड। जो लोग फेल होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, उनका सबसे पहला रीजन तो होता है कि वो उतने मोटिवेटेड नहीं है इस बिजनेस को लेके, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। और दूसरा रीजन है कि कई लोग गलत कंपनियों में चले जाते हैं, फेल होने का दो रीजन। और तीसरा रीजन है कि कुछ लोगों को तरीके से ट्रेन नहीं किया गया है, मतलब वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है। यही तीन रीजन फेलियर का होता है, या तो गलत कंपनी, या लो मोटिवेशन, क्यों करना है पता नहीं है, और या तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। ये तीन रीजन। और सक्सेसफुल जो होते हैं वो क्यों होते हैं? बट अ मोटिवेटेड एंड ट्रेन्ड पर्सन। मोटिवेशन के साथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। इन अ गुड कंपनी, अच्छी कंपनी में जो लोग हैं, हैज अ ग्रेट चांस ऑफ सक्सेडिंग इन देयर बिजनेस। तो अगर हम एक अच्छी कंपनी में तो आ गए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 48 साल पुराना है, प्रोडक्ट टाइम टेस्टेड है, कंट्री टेस्टेड है, प्रूवन प्रोडक्ट है, सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन अब हमें क्या करना है? मोटिवेटेड भी हमें ट्रेंड होना है। जैसे जैसे आप ट्रेंड होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका टर्नओवर बड़ा होता जाएगा और आपकी इनकम बड़ी होती चली जाएगी। तो ये याद रखना है कि ट्रेनिंग इस बिजनेस का एक पार्ट है। पहले हमें खुद ट्रेंड होना है और लोगों को भी ट्रेनिंग देना है, वरना एक अच्छी कंपनी में भी होते हुए और मोटिवेटेड होते हुए भी हम फेल हो सकते हैं। अब इन्होंने कंपैरिजन बड़ा अच्छा बताया है कि ऑन द अदर हैंड इफ यू स्टार्ट अ ट्रेडिशनल बिजनेस योर ऑड्स ऑफ सक्सेस आर मच लोअर। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे जो ऑड्स है ना, जो मुश्किलें हैं, वो ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये एक डेटा इन्होंने बताया है कि स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो 50% फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में। पहले साल वो फेल हो जाते हैं 50%। मतलब अगर 10 कंपनी मार्केट में ओपन हुई, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन में हो, तो 50% फेल हो जाती है कंपनियां, और 95% अगले 5 साल में फेल हो जाती है। तो देखा जाए तो सिर्फ 5% ही चांस होता है वहां पे सक्सेस का। लेकिन हमारे यहां कोई फेल हो जाता है ना, तो उसको देखा देखी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इंडस्ट्री गलत है। तो फेलियर का रेट भी अगर देखे ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का रेट सबसे कम है, बशर्ते कि आप अच्छी कंपनी में हैं, मोटिवेटेड हैं और ट्रेंड है। ये बात बहुत ध्यान रखना है। तो सो आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ 12 आवर्स अ डे, रोज 12 घंटे काम करके 5 साल बाद अगर आप कर्जे में चले जाएं, तो इससे अच्छा है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें, जहां पे आपका कोई बड़ा रिस्क नहीं है। दूसरा जो रीजन बताया है इन्होंने, 7 रीजन्स में से, लो एंट्री थ्रेशोल्ड। हमारे यहां मैं लो एंट्री तो नहीं बोलता हूं, लेकिन वन टाइम कहता हूं। इनेजिक में हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हमारा, और वो भी हम बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं अपनी फैमिली को, प्रोडक्ट की जरूरत है इसके लिए, और जीवन भर अच्छा पानी पीने के लिए, ठीक है। तो लो एंट्री कॉस्ट है। इसको इन्होंने और एक्सप्लेन किया है
कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है वो स्टार्टर किट और रजिस्ट्रेशन फी होता है नॉर्मली, बट एक एग्जांपल बताया है इन्होंने कि अंडर $200 सब कुछ हो जाता है, बट हम इसको नहीं बात करें, हम लोग $4,000 लगा के आए हैं, ठीक है। तो इसका फायदा भी है कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा कमिटेड रहते हैं, सोच समझ के आते हैं, और आते हैं तो टिकते हैं। जहां पे बहुत लो एंट्री कॉस्ट होता है वहां पे प्रैक्टिकली हम लोगों ने बहुत बार देखा कि आपने बहुत मेहनत करके टीम बनाई और पता लगा पूरा का पूरा पूरी की पूरी टीम कोई नई कंपनी में चली गई। क्यों? क्योंकि उनका कुछ भी लगा हुआ नहीं था, कोई कमिटमेंट नहीं था। तो मैंने इनेजी को इसलिए चुना था कि यहाँ पे एंट्री कॉस्ट हाई है, पहले ही एक बैरियर लगा हुआ है, पहले एक चेक नाका है जहां पे आपको चेकिंग होगी कि आप रियल में सक्सेसफुल हैं कि नहीं ऑलरेडी। क्योंकि हमारे यहाँ किसी न किसी फील्ड से सक्सेसफुल लोग ही एंट्री कर पाते हैं, जो कि 3 लाख रुपए का सवाल है, चाहे वो जॉब में थे या बिजनेस में थे या कोई और काम कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेसफुल थे तभी 3 लाख अरेंज कर पाएंगे। और अगर पैसा नहीं भी है तो अगर वो कहीं से पैसा अरेंज भी करते हैं तो या तो बैंक से करेंगे या अपने लोगों से करेंगे, तो दोनों केस में ये भी चेक हो जाता है कि इनका बैकग्राउंड अच्छा है, तभी तो बैंक देगी या तभी तो लोग उनको पैसे देंगे। तो ये एंट्री चेक जो है ये बहुत अच्छी चीज है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है वो बहुत तरीके का लगता है। जैसे मान लो आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो इंश्योरेंस कराना, लाइसेंसिंग लेना, एम्प्लॉयज, लीज और रेंट, अदर यूटिलिटीज, इन्वेंट्री, गोडाउन और स्टॉक्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इक्विपमेंट्स, मतलब कॉस्ट आई कुड नॉट इवन बिगिन टू गेस, इतना सारा कॉस्ट पड़ता है आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने का। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्लिम्स दिया गया है, जो लोग रियल बिजनेस मैन है उनको पता है कि क्या क्या करना पड़ता है एक बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। जस्ट फॉर कंपेरिजन सेक, मैकडी फ्रेंचाइजी, एक मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी भी आप अगर लेना चाहोगे तो 1 to 2 million इंक्लूडिंग $7,50,000 इन लिक्विड कैपिटल। एक मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी भी हम लेना चाहें जो सिर्फ हम एक शहर में बेच पाएंगे उनके उनके बर्गर्स, तो हमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर मैं अंदाजे से बताऊं तो आज एक बी ग्रेड सिटी में भी मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना हो तो कम से कम 1 करोड़ रुपए तो लगेगा, कम से कम। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो या आप दूसरे शहर से आके लोग खाएंगे आपके यहाँ, आप एक शहर तक ही सीमित रह जाएंगे, शहर के एक मोहल्ले तक ही सीमित रह जाएंगे। तो अगर रियल में कंपेयर करें ना तो हम लोग एक स्वर्ग में है, इतना शानदार बिजनेस है हमारा। थर्ड जो है रीजन नेटवर्क मार्केटिंग करने का वो है सिंप्लिसिटी। जिस तरह से एक्सपेंसेस की बात हम लोगों ने की कि बहुत कम एक्सपेंसेस होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनी होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लाइसेंसिंग कंपनी का कराना काम है, प्रोडक्ट की लाइबिलिटी, वारंटी गारंटी जो भी है वो कंपनी लेती है, शिपिंग आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना कंपनी का काम है, अकाउंटिंग और एम्प्लॉई सब कुछ कंपनी का काम है, मार्केटिंग कंपनी करती है, ट्रेनिंग कंपनी करती है, लीगल सारे झमेले कंपनी झेलती है, एचआर कंपनी देखती है, आपको सिर्फ क्या करना है सेल्स एंड लीडरशिप, बाकी सारा काम कंपनी कर रही है। तो दे टेक केयर ऑफ ऑल दैट बैक ऑफिस स्टफ सो यू द बूट्स ऑन द ग्राउंड कैन मूव प्रोडक्ट। तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट को मूव कराना है। तो अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल मार्केट से तो ये बहुत ही इजी और सिंपल बिजनेस है। चौथा है नो मार्केटिंग रिसर्च।
इवन इफ द कंपनी हैज ओनली वन प्रोडक्ट, अगर कंपनी का सिंगल प्रोडक्ट भी है और वन प्रोडक्ट लाइन, एक प्रोडक्ट की कोई श्रृंखला है, दे प्रोबेबली डिड ऑल द मार्केटिंग रिसर्च बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग इवन बिगेन, तो भी कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले सारे मार्केटिंग रिसर्च किए होंगे, तभी तो बना रही है ना। हम तो बना नहीं रहे, हम तो पैसा नहीं लगा रहे फैक्ट्री और फैक्ट्री बनाने में, तो कंपनी जो कि प्रोडक्ट बना रही है तो उसने ऑल रिसर्च तो किया ही होगा ना, तो हमारे लिए वो रिसर्च बहुत आसान हो जाता है, हमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेनी ऑफ द ओल्डर मोर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैव लॉन्ग टर्म प्रूवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और ज्यादातर जो पुरानी कंपनियां हैं उनके पास एक लॉन्ग टर्म प्रूवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि कैसे हमको इस प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाना है। आज हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के एम्प्लॉय ने किसी को बताया, फिर उन्होंने नीचे बताया, इस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इवन मार्केटिंग में भी, इवन जो स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की कि सेमिनार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, हमको सिर्फ उनको एक अच्छे फॉलोअर की तरह फॉलो करना है। ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो दुनिया के किसी भी दूसरे बिजनेस में नहीं होता है। कभी भी आप देखेंगे दुनिया का जो दूसरे जगह है, एक बड़ी अच्छी बात आई थी कि हम लोग हाथ पकड़ के खींचते हैं लोगों का, और बाहर की दुनिया में पैर पकड़ के खींचा जाता है, तो लोग नीचे खींचते हैं और हमारे यहाँ लोग ऊपर खींचते हैं हाथ पकड़ के। ये बहुत बड़ा फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो एक्सपर्टीज इज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। आपका अपलाइन एक LOS है, पूरा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, और उसके बाद कंपनी, एक बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप सरेंडर करें सिस्टम के प्रति, तो अगर आप सबमिट करते हैं अपने आप को, तो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो लेके आपको आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो मेंटोर समवन हु हैज बीन देयर डन दैट टीचेस द न्यू पर्सन हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस। मतलब आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंटर मिलेंगे जो कुछ यहाँ पे कर चुके हैं। हमारे बिजनेस में एक और खास बात देखा गया है, जैसे आप कोई MBA स्कूल में गए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने, तो वहां पे आपको पढ़ाते कौन है, जो खुद एक एम्प्लॉय है, जो टीचर है वो एक एम्प्लॉय है। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि वो रियल बिजनेस स्कूल नहीं है, क्योंकि तो उनको बिजनेस का खुद ही नहीं पता, वो तो खुद नौकरी कर रहे हैं, और एक नौकरी के माइंडसेट वाला आदमी आपको बिजनेस पढ़ा रहा है। बट हमारे यहाँ वही लोग आपकी मेंटरिंग करते हैं जो आपसे आगे गए हैं। अगर कोई शिक्षक कर चुका है तो वो आपको अच्छे से बता सकता है ना कि शिक्षक कैसे हो सकता है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे रियल लाइफ ट्रेनिंग है जो अदर बिजनेस में नहीं होता है। और बिजनेसेस की बात करें तो वहां तो गला काट प्रतियोगिता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। लाखों बिजनेसेस हर महीने रजिस्टर्ड होते हैं और अगले महीने बंद हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने नजर दौड़ाइएगा अपने आसपास में तो आपको दिखेगा। कई लोग बेरोजगारी का ये आलम है कि कई लोग बिजनेसेस खोल के बैठे हैं और दुकान चल ही नहीं रही है, हर महीने उल्टा घर से कुछ ना कुछ लग जा रहा है, और फिर इधर के कर्जे उधर के कर्जे, रिलेशन से कर्जे ले लेके बेचारे किसी तरह से साल दो साल सर्वाइव करके फिर बंद कर देते हैं। और ये 95% बिजनेस का हाल है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि एज विद मार्केटिंग कंपनीज हैव डन द रिसर्च ऑन हाउ टू बेस्ट सेल देयर प्रोडक्ट, जो कंपनी है वो ऑलरेडी इस बात का रिसर्च कर चुकी होती है कि कैसे हमारे प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बेचा जा सकता है, एंड हैव एक्सटेंसिव ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी आपके लिए अवेलेबल है, आपको सिर्फ सबमिट करके और उसको सीखना है। सिक्स पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आपको पता है कि नौकरी में आपके आपका पैसा देने से पहले आपका इनकम टैक्स काट लिया जाता है। अभी मार्च अप्रैल का जो महीना होता है एम्प्लॉयज के लिए बहुत टफ होता है, पूरी पूरी सैलरी कट जाती है टैक्स में, क्योंकि ये पूरी दुनिया ना एक बात ध्यान से समझने वाली है कि जो बिजनेसमैन हैं वही लोग इस दुनिया को चला रहे हैं। कैसे? आपको लगेगा नहीं, राजनेता चला रहे हैं, बट राजनेताओं को कौन चला रहा है? बड़ा बिजनेसमैन। और इसीलिए जितने भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो सब बिजनेसमैन के बेनिफिट पे बनाया जाता है, ताकि बिजनेसमैन को बेनिफिट हो, तभी तो वो देंगे फंडिंग। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा है, एक जो चीजें कई बार समझ में नहीं आती है, कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया है कि अ फ्यू टिपिकल डिडक्शंस फॉर होम बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने इनकम में से, वो है पहली बात तो माइलेज, यूजिंग योर व्हीकल फॉर बिजनेस। आप जो बिजनेस के लिए व्हीकल यूज कर रहे हैं उसका जितना भी खर्चा है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, या उसका ईएमआई हो, सब कुछ आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। होम ऑफिस, कोई ऑफिस नहीं है आपका, फिर भी आपने ऑफिस का रेंट निकाल लिया, तो आप अगर घर में भी किराए पर रह रहे हैं तो वो रेंट में चला, रेंट में आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, खर्चा शो कर सकते हैं कि मेरा इतना खर्चा है ऑफिस का। फोन बिल्स, जितने भी तरह के बिल, इंटरनेट के खर्चे हैं, सब आप दिखा सकते हैं। और प्रोडक्ट्स यूज्ड इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में जो कुछ भी आप ब्रोशर्स, लिटरेचर्स, कंप्यूटर्स जो भी यूज कर रहे हैं, वो सब आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मेनी ऑफ दिस ऑल्सो अप्लाई टू ट्रेडिशनल बिजनेस, कुछ इनमें से बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अप्लाई होती है, बट इन टर्न ट्रेडिशनल बिजनेस सफर्स अ ग्रेट मेनी एक्सपेंसेस। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं एक्चुअली, जो यहाँ पे आपको नहीं करने होते। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आर प्रिटी हेफ्टी बिल्स फॉर अ रेगुलर बिजनेस, मतलब बहुत हैवी इंश्योरेंस और टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बिजनेस को द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बोला है, और इन्होंने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क एंड वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट टू बिल्ड देयर ओन इनकम जनरेटिंग एसेट एंड अक्वायर ग्रेट वेल्थ। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर, ठीक है, बट कुछ लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, बोलेंगे ये कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है, मिलेंगे ऐसे लोग, तो आप बड़े प्रेम से उनको बता सकते हैं कि एक्चुअल पिरामिड ये है जिसका आप हिस्सा हैं। कॉरपोरेट पिरामिड, हर जगह पिरामिड है। एक राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे एमपीज है, उसके नीचे विधायक है, उसके नीचे मुखिया जी है, उसके नीचे, हर जगह पिरामिड है। पिरामिड से नफरत करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा जवाब जो एरिक वोरे ने बताया है वो इससे भी सटीक है कि हम लोग पिरामिड नहीं है, क्योंकि हमारा मल्टीपल लाइन का बिजनेस है। पिरामिड वो होता है जिसमें 2 का 4 8 16 होता है, हमारे मल्टीपल लाइन का बिजनेस है, तो वैसे भी हम पिरामिड स्कीम्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिरामिड इलीगल होता है। तो एक दूसरा जवाब वो भी है, लेकिन ये फैक्ट भी लोगों को याद कराना है कि दुनिया में हर चीज एक पिरामिड है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इन्होंने बताया है, जिस समय ये प्रेजेंटेशन बना होगा उस समय कहा गया है कि बीबीबी एक्रेडिटेड बिजनेस है, A+ बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ 178 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री अ ईयर, सो ऑफ कोर्स देयर आर स्कीम्स एंड स्कैम्स आउट देयर। चूंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 178 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है जिस समय ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है, तो ऑफ कोर्स कुछ स्कीम्स और स्कैम्स भी होंगे, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां बुरे लोग भी
अट्रैक्ट होते हैं. लुक एट द इंसैनिटी इन अल्टरनेटिव मेडिसिन. लेकिन आप देखिए कि क्या पागलपन है लोगों का अल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं. ठीक है. इन नाइदर केस शुड दैट कंडेम आइदर इंडस्ट्री. यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू अ लिटिल रिसर्च. तो कंपनी चुनने से पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रिसर्च करना चाहिए कि हम किस कंपनी के साथ, किस प्रोडक्ट के साथ, किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हम एसोसिएटेड होने जा रहे हैं. वरना मार्केट में हमेशा, जैसे आजकल क्वाइंस के ऊपर चल रहा है मार्केट में ठगी, उसी तरीके से कुछ ना कुछ ठगी नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में चलता रहता है. तो या तो आपको जो जो लोग एक्सपीरियंस्ड है नेटवर्क मार्केटिंग में उनसे सलाह लेना चाहिए कोई कंपनी ज्वाइन करने से पहले, और या तो खुद का रिसर्च करना चाहिए, और कभी भी नई अपॉर्चुनिटी में हाथ नहीं डालना चाहिए. ठीक है. तो ये पर क्लिक एड देखने का पैसा, क्वाइन, उल्टे सीधे काम चलते रहते हैं. तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझिए. ये प्रोडक्ट को मूव करने का एक तरीका है, ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है. और उस तरीके का जहां पे प्रोडक्ट नहीं हो वहां पे काम करना बिल्कुल ही गलत है. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. और इस प्रेजेंटेशन को दिखाने का मेरा मकसद क्या था, अब ये बता दूं आपको कि आज भी बहुत सारे लोगों को ना नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं है अच्छे से. तो सीधा हम जब प्रोडक्ट पिच करते हैं या सीधा बिजनेस पिच करते हैं तो तकलीफ आ जाती है. वैसे इनर्जिक के साथ एक बहुत अच्छी बात है, हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है ना कि पहले आपको सिर्फ प्रोडक्ट पिच करना चाहिए अगर कोई नॉन नेटवर्कर है. ठीक है. और बाद में उनको इस इंडस्ट्री के बारे में समझाना, जैसे आप यहाँ पे 89 लोग अभी बैठे हैं, आपको ये बताना कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये बहुत जरूरी है. तभी आपको गर्व होगा इस इंडस्ट्री के ऊपर. और ये दुनिया के सारे कामों से आसान बिजनेस है. जितने भी काम हैं, मैंने अपने लाइफ में 10 साल जॉब किया है, बिजनेस किया है 2-3 साल, और बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है. कई बार एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से मेरा सिलेक्शन गलत भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं इसको गहराई से समझता हूं कि यही एक रास्ता है जो एक आम आदमी को अमीर बनने का मौका दे सकता है. वरना कभी भी आप वो क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो पाएगा आपका. यही एक जगह है जहां पे आप अपना पूरा पूरा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से शिफ्ट कर सकते हैं बिजनेसमैन अपने आप को. ठीक है. तो सबसे पहले अंदर से शिफ्ट होना है. जब हम अंदर से शिफ्ट हो जाते हैं ना, अंदर से मानसिकता बन जाती है कि आई एम अ बिजनेसमैन, और इसको बिजनेसमैन की तरह देखते हैं, समझते हैं, ट्रीट करते हैं इस बिजनेस को, तब ये काम बहुत बड़ा होता है. तो आज की इस प्रेजेंटेशन से कुछ वैल्यू मिला.